नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो राजधानी में फिर से 1000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं संक्रमण से एक मरीज की मौत भी हुई है। हालांकि मामले बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने की दर अभी भी कम बनी हुई है। वहीं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राजधानी में बुधवार को 1354 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। इस अवधि के दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। इसी के साथ बुधवार को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.64% हो गया है। बुधवार को दर्ज किए गए नए मामलों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा 18,88,404 हो गया है। वहीं अब तक कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 26,177 हो गई है। मंगलवार को राजधानी में 1,414 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं सकारात्मकता दर 5.97% रही। संक्रमण की वजह से मंगलवार को भी एक मरीज की मौत हुई थी। सोमवार की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 1076 नए मामले दर्ज किए गए थे और पॉजिटिविटी रेट 6.42% था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।